हेलो एवरीवन, मैं सुमन सिमरन आज बना रही हूँ पोटैटो क्रोकेट्स। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक छोटी हरी मिर्च कटी हुई, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक कटोरी ब्रेड क्रम्स और चार आलू उबले हुए और मैश किए हुए। सबसे पहले हम आलूओं को मैश कर लेंगे। आलू, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और हरी मिर्च कटे हुए। मैंने इसे मैश कर लिया है। अब हम इसमें आधा कटोरी ब्रेड क्रम्स मिलाकर फिर अच्छे से मैश करेंगे। आप देख सकते हैं ये एक अच्छा डो बन गया है, टाइट सा। अब हम इसके क्रोकेट्स बना लेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। इसे दोनों हथेलियों की सहायता से राउंड शेप में बना ले। और मैंने सारे मिक्सचर के क्रोकेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। साथ ही साथ तेल भी गर्म होने रख दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करने के लिए रख देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करेंगे। हम इसे हल्के हाथ से पलट लेंगे और ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब मैंने इन्हें सर्व कर लिया है धनिया की चटनी के साथ। आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसका कलर देखिए बहुत अच्छा आया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।